हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं सेकेंड टाइप वाले मशीन के बारे में स्टडी करने, जिसका नाम है पुली। ठीक है ना? तो एग्जाम के लिए आपका ये पुली वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका दोनों टॉपिक से ही आता है, लीवर से भी पुली से भी। लीवर से मेनली आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, और आपका जो पुली है वो आपका आता है सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन से, पुली से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टडी करते हैं पुली के बारे में। ठीक है, तो मैंने देखी तो यहाँ पे कुछ कहानी आपको लिखी हुई है, तो आप ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि पुली जो आपको स्टडी करना है वो होगा दो टाइप का, फिक्स पुली और मूवेबल पुली। ये तो नाम से ही लग रहा है कि इनके बीच के डिफरेंस क्या है। ऐसा पुली जो फिक्स रहे, जो कि मूव ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स पुली, और ऐसा पुली जो मूव कर पाए ऊपर नीचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल पुली। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है ज्ञान की बातें, ये आपका गीता है, गीता से मैंने कुछ ज्ञान ऐसा लिया है, सीखा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ज्ञान की बातें ऐसी है कि ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, और आपको अगर ये सारी ज्ञान की बातें, ये गीता की बातें अगर आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं ज्ञान की बातें हैं क्या। तो पार्ट वन में हमने लिखा है, देखो सब लोग इसको ज्ञान की बातें को एक बार रीड करिए। पार्ट वन में हमने लिखा है कि इन दिस चैप्टर वी विल एज्यूम दैट स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है और आप स्ट्रिंग का लेंथ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में इन वन स्ट्रिंग टेंशन एट ईच पॉइंट विल बी सेम। मतलब कि अगर आपका स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है तो उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, एक स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। समझ में आया ना? वही हमें लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, एक स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ, स्ट्रिंग चेंज करेगा तभी टेंशन भी चेंज करेगा, अगर स्ट्रिंग चेंज नहीं किया है तो टेंशन चेंज नहीं करेगा। ये ज्ञान की बातें आप लोग याद रखना, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं करेगा उसमें टेंशन चेंज नहीं करेगा, हर पॉइंट पर उसके टेंशन सेम होगा, क्योंकि हमने माना है स्ट्रिंग इज मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। आप जब क्लास 11 में जाओगे तो वहां पे आपको मासलेस स्ट्रिंग के बारे में स्टडी करना है, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होता है, लेकिन अभी आपको फिलहाल आपका एक कॉन्स्ट्रेंट है कि स्ट्रिंग मेरा मासलेस है इनएक्सटेंसिबल है, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। क्या सबको ज्ञान की बातें पार्ट वन समझ में आई? हाँ समझ में आई, आपने गीता थोड़ा सा सीख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में आइडियल मशीन मेंशन होगा, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मेरा जो पुली सिस्टम है वो आइडियल है, कैसा है वो आइडियल है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज ए में हम लोग इस चैप्टर में एक फॉर्मूला सीखेंगे, उस फॉर्मूले से आप फाइंड कर लेना। क्या मेरी बातें समझ में आई? देखिए हमने जब लास्ट लेक्चर लीवर का सीखा था तो वहां भी हमने लीवर के लिए एक फॉर्मूला लाया था कि एम ए इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। वो फॉर्मूला बस लीवर के लिए ही वैलिड था, लेकिन हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था एम ए इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट, और हमने कहा था कि वो आपका पूरे मशीन के लिए वैलिड है। तो वैसे ही पुली के लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आएगा जो कि सिर्फ पुली में ही वैलिड होगा, लेकिन पुली के लिए भी लोड बाई एफर्ट तो वैलिड होगा ही ना, क्योंकि लोड बाई एफर्ट हमेशा वैलिड होता है। ठीक है ना? सॉरी, वही हमने यहां लिखा है कि अगर क्वेश्चन में आइडियल मशीन मेंशन होगा तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज आप फॉर्मूले से फाइंड कर लेना, जो मैं फॉर्मूला अभी आपको आगे बताऊंगा। नहीं तो अगर मेरा वो पुली सिस्टम या मशीन मेरा आइडियल नहीं है तो एम ए इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट तो हम लोग हमेशा यूज कर ही सकते हैं। मतलब कि सिंपल सा कहानी ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में लोड और एफर्ट मेंशन रहे तो आप सिंपल एम ए को लोड बाई एफर्ट से ही फाइंड करना। समझ में आया ना? अगर लोड और एफर्ट मेंशन ना रहे और मशीन आइडियल रहे तो हम आपको एक फॉर्मूला देंगे, आप उस फॉर्मूले से फाइंड करना। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इस बात का, ये ज्ञान की बातें आप लोग ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी जब आप ये सब याद रखोगे।
और सेकेंड पॉइंट हमने जो लिखा है, देखिए इसी में ज्ञान की बातें सेकेंड पार्ट का सेकेंड पॉइंट, कि वीआर हमेशा फॉर्मूला से ही फाइंड करेंगे। हमने क्या बोला आपको कि ए में आप फॉर्मूला से तभी फाइंड करना जब आपका मशीन आइडियल हो, कूली सिस्टम आइडियल हो, लेकिन वीआर जो होता है वेलोसिटी रेशियो, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि वेलोसिटी रेशियो एक मशीन का सिर्फ उसके डिजाइन पे डिपेंड करता है, सिर्फ उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब कि आपका जो मशीन है वो आइडियल है कि वो मशीन आपका प्रैक्टिकल है, वीआर चेंज नहीं करेगा, वीआर हमेशा सेम रहता है। मतलब कि वीआर तो हमेशा हम लोग फॉर्मूले से फाइंड कर ही सकते हैं ना, तो यही यूज करना, वही हमने लिखा भी है यहाँ पे कि वीआर हमेशा फॉर्मूला से ही फाइंड करेंगे। समझ में आया ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। मतलब कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ आइडियल मशीन इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल मशीन। हमेशा आप वीआर के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एमए के लिए हमेशा आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। मैंने क्लियर क्लियर आपको बोल दिया। चलिए अब नेक्स्ट बातें। फॉर आइडियल मशीन हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको यही बताया था कि आइडियल मशीन का जितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही उसका होता है वेलोसिटी रेशियो। सबको याद है ना? मतलब कि अगर आप वेलोसिटी रेशियो के लिए हमेशा फॉर्मूला यूज कर सकते हो तो क्यों ना जब भी मेरे को पुली सिस्टम दिखे तो मैं फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी रेशियो फाइंड कर लूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी रेशियो फाइंड कर लूंगा। और अगर वो पुली सिस्टम मेरा आइडियल होगा तो जितना होगा वेलोसिटी रेशियो उतना ही होगा मैकेनिकल एडवांटेज। यही समझ में आया? मतलब कि आइडियल पुली के लिए जो फॉर्मूला होगा एमए का वही फॉर्मूला होगा वीआर का, वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखो कि आप सबसे पहले जब भी आपको पुली सिस्टम मिले तो आप उसका वीआर फाइंड कर लेना, सबसे पहले उसका फाइंड कर लो वेलोसिटी रेशियो, पक्का ना? ओके सर। अगर वो मशीन आइडियल है तो जितना उसका वेलोसिटी रेशियो होगा उतना ही उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी होगा, और तब जो उसका इफिशियंसी है वो हो जाएगा 1 या फिर 100%। अच्छी बात है। हाँ सर बिल्कुल। अगर आपका मशीन प्रैक्टिकल है, देखो मैंने यहाँ लिखा है कि फॉर प्रैक्टिकल मशीन, अगर आपका मशीन प्रैक्टिकल है तब क्या होगा कि अब उसका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि आप अब आप एमए के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो जैसे ही मशीन आपका हो जाए प्रैक्टिकल, या फिर आपका एक्चुअल मशीन बोला जाए आपसे, प्रैक्टिकल मशीन बोला जाए आपसे, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका मैकेनिकल एडवांटेज उसके वेलोसिटी रेशियो से कम हो जाता है। मतलब कि अब आपका एमए इक्वल टू वीआर नहीं है, लेकिन वीआर जो पहले था वही वीआर अभी भी होगा, वीआर आपका चेंज नहीं करता है, चेंज करेगा सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज। तो वीआर आपका सेम रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज उसका डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए उसका एफिशिएंसी जो होता है वो 1 से कम होता है या फिर 100% से कम होता है। क्या सबको ये ज्ञान की बातें समझ में आई ना? मैं साइनोप्सिस के लिए एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैंने क्या बताया आपको कि इस चैप्टर में हम लोग मान के चलेंगे कि एक स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन हमेशा सेम रहेगा, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं करेगा टेंशन चेंज नहीं करेगा। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट हमने क्या बताया कि जब भी आपको पुली सिस्टम मिले तो सबसे पहले उसका फाइंड कर लेना वेलोसिटी रेशियो। ओके बात, अगर मशीन आइडियल है तो जितना उसका वेलोसिटी रेशियो होगा उतना ही उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी होगा। अगर मशीन मेरा प्रैक्टिकल है तो वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूले से ही फाइंड करना, और जो उसका मैकेनिकल एडवांटेज है वो आप फाइंड करना किसे, देखो इधर, ये लोड बाई एफर्ट से जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, देखो यहाँ पे पार्ट टू के पहले आपका जो स्टेटमेंट था। सबको समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल, मेरे को समझ में आ गया। हम लोग अब क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो ये है ज्ञान की बातें पार्ट थ्री। इसमें मैंने लिखा है कि डिरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज डिरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, इज ऑलवेज डिरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। मान लीजिए कि ये मेरा एक बॉडी है और इसमें मेरा दो स्ट्रिंग है, इसमें मेरा क्या है, दो स्ट्रिंग है, मैंने इसको नाम दे दिया स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू। क्या यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज किया है? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज किया है, मतलब दोनों में टेंशन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है टेंशन T1 और यहाँ पे हम नाम दिया है टेंशन T2। अब हमने क्या बोला है कि डिरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज डिरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर इस बॉडी पे टेंशन का डिरेक्शन शो करना है तो कहाँ होगा, वो हमेशा इससे अवे होगा, इससे दूर होता है, कभी भी इसके तरफ नहीं होता है। तो देखो, तो पहला स्ट्रिंग कहाँ है, इसके ऊपर है, इस बॉडी से ऊपर है, मतलब टेंशन होगा ऊपर एंड इससे अवे, इससे अवे। सिमिलरली जो आपका सेकेंड स्ट्रिंग है वो इसके नीचे है, तो टेंशन होगा इसके नीचे और उसका कहाँ होगा, उसका होगा डिरेक्शन हमेशा उससे अवे। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि आप ऐसे मत ड्रॉ कर देना T1 और T2। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका गलत है, हमेशा ऐसे ड्रॉ करना, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। समझ में आया ना? ओके सर, अब हम लोग, हमने अपना कंटेंट बिल्ड कर लिया है, अब चलिए हम लोग पुली के बारे में बात करते हैं।
चलो तो ये रहा अपना फर्स्ट टाइप का सिस्टम, और इसका नाम है सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली तो नाम से ही आपका ऐसा क्या फील हो रहा है कि एक पुली रहेगा, और वो भी कैसा है, वो भी आपका फिक्स्ड है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि अगर मेरा पुली मूव भी करेगा तो कैसा कैसा आएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल फिक्स्ड पुली, और मैंने माना है कि ये आपका आइडियल है। देखो तो मैं जितना भी यहाँ से फॉर्मूला करूंगा डिराइव, वो मैं करूंगा फॉर आइडियल पुली सिस्टम, फॉर आइडियल मशीन सिस्टम। वहां से मैं वेलोसिटी रेशियो के लिए और एमए के लिए एक फॉर्मूला आपको दूंगा। अगर मेरा मशीन आइडियल नहीं होगा तो वीआर वाला फॉर्मूला तो चेंज नहीं करेगा ना, वो आपका सेम रह जाएगा। और एमए के लिए आप अगर मशीन प्रैक्टिकल हो जाए तो आप लोड बाई एफर्ट से फाइंड कर लेना, कोई चाप की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल। चलो तो ध्यान से देखिए, तो मैंने इसका दो यहाँ पे ड्रॉ किया है डायग्राम, आपको जो अच्छा लगे सिंपल आप वैसे ड्रॉ करना, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सल ऑफ द पुली। यहाँ से एक आपका एक कील पास होता है इस पॉइंट से, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सल। इसमें कोई आपको इतना वो सब नहीं जानना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखो, तो मैंने एक सिंगल फिक्स पुली लिया है, उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग रैप किया है, और ये स्ट्रिंग कैसा होगा, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, आपको पूरे चैप्टर में यही मान के चलना है। और उससे हमने एक लोड को हैंग किया है। अब बताओ आप कि यहाँ पे हमने कितना स्ट्रिंग यूज किया है, तो सिर्फ एक स्ट्रिंग, तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन आपका सेम आने वाला है। हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, तो पॉइंट ए पे हमने हैंग किया है लोड को, और इस पॉइंट बी पे हमने अप्लाई किया है एफर्ट इन डाउनवर्ड डिरेक्शन। कहाँ अप्लाई किया है, एफर्ट इन डाउनवर्ड डिरेक्शन, सबको दिख रहा है। मतलब हम इस ब्लॉक को या इस लोड को हम लोग इस पॉइंट बी पे नीचे की तरफ एफर्ट लगा के इसको हम खींच रहे हैं। अच्छी बात है सर बिल्कुल। अब बताओ कि हमने अगर इस पॉइंट बी पे एफर्ट लगाया है ई, तो क्या होगा कि ये जो मेरा पूरा स्ट्रिंग था उसमें होगा जनरेट टेंशन। क्या होगा, उसमें होगा जनरेट टेंशन, होगा ना बिल्कुल सर, यहाँ पे टेंशन होने वाला है जनरेट। देखो अच्छी बात है ना, तो मैंने ये टेंशन का शो किया है डिरेक्शन, तो एट पॉइंट बी कहाँ होगा टेंशन उससे अवे, एट पॉइंट ए कहाँ होगा टेंशन होगा उससे अवे। अब ध्यान से देखिए, तो हमने पॉइंट बी पे लगाया है एफर्ट। अब एक बात आप और याद रखना कि आप जिस स्ट्रिंग में एफर्ट लगाते हो, आप जिस स्ट्रिंग में एफर्ट लगाते हो ना, उसके हर पॉइंट का टेंशन एफर्ट के बराबर होता है। कितना होता है, उसके हर पॉइंट का टेंशन एफर्ट के ही बराबर होता है। मतलब कि इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन कितना आने वाला है, वो टेंशन एफर्ट के इक्वल आने वाला है। पक्का ना, सेम स्ट्रिंग तो हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन सेम होगा, और टेंशन कितना होगा, इज इक्वल टू एफर्ट। तो आप ये बातें याद रखना कि जिस स्ट्रिंग पे हम लोग एफर्ट लगाएंगे उसके हर पॉइंट पे टेंशन आपका एफर्ट के इक्वल आने वाला है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे लोड ड्रॉ कर लिया, मैंने यहाँ पे ये लिखा लोड, तो इस पे क्या होगा, इसका जो लोड होगा ड्यू टू वेट वो कहाँ लग रहा होगा, वो लग रहा होगा नीचे, और इस पे जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है ऊपर। कहाँ लग रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर। और हमने क्या देखा कि टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट, टेंशन बोलो टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट। तो अगर मेरे को इस लोड को बैलेंस करना है, इसका मतलब क्या कि टेंशन शुड बी इक्वल टू लोड एंड टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं एफर्ट इज इक्वल टू लोड, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू वन। क्या सबको मेरी बात समझ आई? हाँ, लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू वन। अब देखो तो सबके दिमाग में एक घंटी बजी हुई होंगी, टन टन टन, कि क्या होता है, लोड बाई एफर्ट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमने इसको लिख दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू वन। अब क्या आपको ये बातें याद रहेगी कि फॉर अ सिंगल फिक्स पुली एमए इज इक्वल टू वन, फॉर अ सिंगल फिक्स पुली एमए इज इक्वल टू वन। मतलब कि क्या ये मेरा पुली सिस्टम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एक कर रहा है? नहीं, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एक नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका एमए वन है। पक्की बात है ना? हाँ सर बिल्कुल, यही बात है। अब ध्यान से देखो कि ये हमको मिल गया एमए, और ये हमने इसको माना है आइडियल, ठीक है ना। अगर ये आइडियल मशीन नहीं होता तो इसका एमए वन नहीं होता, एमए फिर इसका वन से कम होता, ठीक है ना। तो हम लोग लोड बाई एफर्ट से फाइंड कर लेते, लेकिन हमने माना है आइडियल, इसलिए इसका एमए वन आ गया है। अब जरा बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो के बारे में। तो बोलिए क्या होता है वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, या हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड इन सेम टाइम, यही बात है ना। अब आप ध्यान से देखो कि आप अगर इस पॉइंट बी पे एफर्ट अप्लाई करते हो, और मान लो कि जो मेरा पॉइंट बी था अगर वो मूव किया है एक्स से नीचे की तरफ, तो ये जो आपका पॉइंट ए था वो करेगा मूव ऊपर कितने से, एक्स से,
ऐसे में ना मतलब कि जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है लोड उतना ही कर रहा है मूव एफर्ट, मतलब कि ये कितना आने वाला है, ये रेशियो भी आपका वन आने वाला है। मतलब कि फॉर अ सिंगल फिक्स पुली वी आर इज ऑल्सो वन, वी आर इज ऑल्सो वन, पक्की बात है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मेरा मशीन आइडियल नहीं होता तो क्या इसका वी आर चेंज करता? नहीं सर, इसका वी आर चेंज नहीं करता। तो आप याद रखना कि फॉर अ सिंगल फिक्स पुली वी आर इज इक्वल टू वन। अब ये आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो, इसका वी आर चेंज नहीं करने वाला है, समझ में आया ना। हाँ, अगर ये आइडियल है तो इसका एम ए भी वन के इक्वल ही होगा, इक्वल टू वी आर, और देखो ये वन आया भी था। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में मेंशन है कि सिंगल फिक्स पुली में मेरा मशीन आइडियल नहीं है, तो हम लोग वी आर वन लेंगे, एम ए वन नहीं लेंगे, एम ए हम लोग लोड बाई एफर्ट से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर मशीन आइडियल है तो जितना वी आर उतना ही एम ए, पक्का? ओके सर। अब मैं अगर इसका फाइंड करूँ इफिशियंसी, तो बोलो क्या होगा, एम ए बाई वी आर। कैसा है, एम ए बाई वी आर, हमने इसको माना है आइडियल मशीन, तो हो जाएगा वन बाई वन और वन, या फिर आप अगर बात करो परसेंटेज में तो आपका हो जाएगा 100%। तो होना भी चाहिए, क्या होता है आइडियल मशीन का, होता है इफिशियंसी वन या फिर 100%, समझ में आया ना। हाँ सर बिल्कुल, अगर ये आइडियल नहीं होता तो इसका वन या फिर 100% इफिशियंसी नहीं होता। सबको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे समझाऊं ताकि आपको कोई डाउट रह ना जाए, पक्की बात है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे आई निकल के, क्या कि ये जो मेरा सिंगल फिक्स पुली है उसका एम ए भी वन है और वी आर भी वन है, मतलब कि ये तो ना तो एक कर रहा है जब फोर्स मल्टीप्लाई है और ना ही एक कर रहा है एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। तो सर हम लोग इसका यूज काहे करेंगे, हम लोग इसका यूज क्यों करेंगे जब ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज ही नहीं, एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो सुनिए, देखिए इसका भी आपका यूज होता है, भले ही ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज नहीं कर रहा है, भले ही ये स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज नहीं कर रहा है, फिर भी इसका यूज करते हैं। तो सुनिए क्यों, तो सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डिरेक्शन, अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डिरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सिंगल फिक्स पुली का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं ना ताकि हम लोग एफर्ट को एक अच्छे डिरेक्शन में अप्लाई कर सके, एक कन्वीनियंट डिरेक्शन में अप्लाई कर सके। ये या आप याद रखना, बहुत बार ये आपके बोर्ड्स में आ भी चुका है क्वेश्चन कि सिंगल फिक्स पुली हम लोग क्यों यूज करते हैं, भले जबकि उसका एम ए वन नहीं है। तो आप यही लिखना, क्योंकि हम लोग एफर्ट को कन्वीनियंट डिरेक्शन में अप्लाई कर सके। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये मेरे पास लोड था, ठीक है ना, अगर मेरे को इसको लिफ्ट करना है, तो अगर हमने पुली का यूज नहीं किया तो हमको एफर्ट ऐसे यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा ना, इन अपवर्ड डिरेक्शन। अब ध्यान से आप अगर लॉजिकली सोचो तो आपको क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे खड़े हो, जैसे मान लो कि ये रहा ग्राउंड और हम यहाँ पे खड़े हैं, अब ध्यान से देना क्या कि अगर ये इसको ना यहाँ खड़े होके, इस ग्राउंड पे खड़े होके इसको ऊपर की तरफ खींचना, क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता, क्या लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, समझ में ना। लेकिन वही अगर हम एक पुली लगा के एफर्ट इस तरफ लगाएं, तो अब देखो क्या होता है कि अब हम यहाँ से खड़ा होके यहाँ पे एफर्ट डाउनवर्ड डिरेक्शन में इजिली अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या समझे आप कि ये क्या हुआ कि सिंगल फिक्स पुली यूज करने से हमने एफर्ट को एक कन्वीनियंट डिरेक्शन में अप्लाई कर लिया। सबको समझ में आया ना, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, ये जो हमने एम ए और बी आर फाइंड किया, फिर हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं आगे वाले केस में। अब हम लोग थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे, जल्दी से आप लोग देखो, तो ये हमने नेक्स्ट केस में लिया है सिंगल मूवेबल पुली। आपको सबको ऐसा दिख रहा हो कि अब ये पुली मेरा क्या है, अब ये पुली मेरा फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, समझ में आया ना। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। देखो तो मैंने फिर से पॉइंट ए पे अप्लाई किया है एफर्ट। अब ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपका दो स्ट्रिंग है, क्या है, दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग आपका ये यहां से लेके ये वाला यहां तक, ये आपका स्ट्रिंग सेम है, मतलब इसके हर पॉइंट में टेंशन सेम आने वाला है, और ये जो आपका स्ट्रिंग है जिससे लोड हैंगा ना, वो आपका स्ट्रिंग चेंज कर गया है, मतलब सर अब इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं होने वाला है, पक्का ना। तो आपने अगर ये जो पहला स्ट्रिंग है वहां आपने अगर नाम दिया है टेंशन को T1, क्या बोलिए, आपने अगर इस स्ट्रिंग ए में नाम दिया है टेंशन को T1, तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो हमको इस सेकेंड स्ट्रिंग में नाम देना होगा टेंशन को T2, क्योंकि अब यहाँ पे आपका टेंशन सेम नहीं आने वाला है, अच्छी बात है ना। लेकिन फिर से हमने जिस स्ट्रिंग में पे एफर्ट लगाया है उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम क्या आएगा, सेम आएगा, और वो आएगा इक्वल टू एफर्ट, जो हमने अभी सीखा था ना कि आप जिस स्ट्रिंग पे एफर्ट लगाना उसके हर पॉइंट पे टेंशन एफर्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका आने वाला है T1 इज इक्वल टू एफर्ट, अच्छी बात है ना। चलिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है लोड और एफर्ट में रिलेशन। तो हमने ये ले लिया लोड,
इस पे नीचे करेगा एक लोड, और देखिए तो इस पे ऊपर कर रहा होगा टेंशन एक टी टू, यही ना, इस पे देखो इस पे ऊपर कर रहा है एक टेंशन टी टू। एंड अगर मेरे को इसको लिफ्ट करना है तो क्या होना चाहिए, या हमको इसको अगर बैलेंस करना है तो टी टू मस्ट बी इक्वल टू लोड एल, पक्की बात है ना। अच्छा सर, टी टू मस्ट बी इक्वल टू लोड, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एफर्ट और लोड में रिलेशन, मतलब कि हमको यहाँ पे टी टू के प्लेस पे मेरे को टी वन में चेंज करना होगा। अब ध्यान से देखो, तो मैंने ये जो पुली था ना, इस पुली का डायग्राम शो किया, इस पुली का हमने डायग्राम शो किया, तो ध्यान से देखो तो इस पुली पे एक टेंशन यहाँ लग रहा होगा नीचे टी टू, और इस पे दो स्ट्रिंग के चलते टेंशन लग रहा होगा टी वन और टी वन। देखो तो आप ध्यान से, पक्का ना, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, है समझ में ना। तो ये जो मेरा पुली था उसपे दो फोर्स लग रहा है टी वन ऊपर, और आपका एक फोर्स लग रहा है नीचे टी टू, अच्छी बात है ना। हाँ, और हम लोग मान के चलते हैं, देखो हमने फिर से ये माना है कि ये आपका आइडियल मशीन है, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो मेरा पुली है कैसा है, पुली इज मासलेस, पुली इज मासलेस। तो अगर पुली मासलेस है तो एफ इक्वल टू एम ए से, मास ही जीरो है तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा, उसका नेट फोर्स आ जाएगा जीरो, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी वन प्लस टी वन इक्वल टू टी टू, और हम लोग लिख सकते हैं देखो, एंड टी वन क्या था, टी वन था बोलो, टी वन था इक्वल टू ई ना, ई प्लस ई इक्वल टू टी टू, मतलब टू ई इज इक्वल टू टी टू, एंड टी टू इज नथिंग बट इक्वल टू लोड। तो हमने यहाँ लिख दिया टू ई इज इक्वल टू लोड, देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू टू। ओहो, यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू टू, एंड लोड बाई एफर्ट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज। तो मतलब क्या आ गया कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली इज कितना आया, बोलिए टू, कितना आ गया आपका, टू इज इक्वल टू टू, और इसको आप लोड बाई एफर्ट के तरह यूज कर सकते। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई ना। तो फॉर अ सिंगल फिक्स पुली कितना आया था, वन आया था, मतलब कि वो फोर्स मल्टीप्लाई की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फॉर अ सिंगल बोलिए मूवेबल पुली ए में क्या आ गया है, टू आ गया है, मतलब कि ये अब एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज एक्ट कर रहा है, समझ में आया ना। हाँ सर बिल्कुल, हमको समझ में आ गया। अब इसका हम लोग फाइंड करते हैं वेलोसिटी रेशियो, अब हमको इसका फाइंड करते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो देखो क्या होगा, वी आर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई वेलोसिटी ऑफ लोड, या फिर डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट बाई डिस्टेंस मूव बाई लोड, यही ना। हाँ सर बिल्कुल, यही आने वाला है, यही आने वाला है। अब ध्यान से देखो, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी रेशियो। तो मान लो कि ये डिस्टेंस रहा एक्स, हमने एफर्ट पॉइंट को अपवर्ड डिरेक्शन में शिफ्ट किया है एक्स से, कितने से शिफ्ट किया है, एक्स से, पक्का ना, हमने शिफ्ट किया है एक्स से। तो देखो क्या होगा कि आपने अगर इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींचा एक्स से, तो क्या होगा कि ये यहां से आएगा एक्स से आएगा नीचे। इसका मतलब क्या कि ये जो मेरा जो पॉइंट था ना एफर्ट वाला, वो करेगा मूव इन अपवर्ड 2x, कितना करेगा मूव, वो करेगा इन अपवर्ड 2x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो कि हमने जब इसको ऊपर की तरफ हम खींचेंगे तो क्या होगा कि मेरा स्ट्रिंग कुछ यहां से भी होगा लूज x, देखो यहां से भी होगा लूज x, और यहां से भी होगा लूज x, तो मेरा टोटल जो है वो एफर्ट पॉइंट मूव करेगा इन अपवर्ड डिरेक्शन डिस्टेंस 2x, लेकिन जो मेरा लोड था वो करेगा मूव ओनली इन x, ओनली डिरेक्शन डिस्टेंस x। इसका मतलब क्या, ये आपका आने वाला है 2x बाई x, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 2, मतलब कि फॉर अ सिंगल बोलिए, फॉर अ सिंगल मूवेबल पुली, फॉर अ सिंगल मूवेबल पुली वी आर कितना आया है, वी आर भी इक्वल टू 2 ही आया है। अब देखो मान लो कि अगर ये मेरा मशीन आइडियल नहीं होता तो क्या उसका वीआर चेंज करता, नहीं, उसका वीआर चेंज नहीं करता, वीआर उसका टू ही रहता, लेकिन जो उसका एमए था वो फिर टू नहीं रहता, वो टू से कम हो जाता। तो हम लोग लोड बाई एफर्ट से फाइंड करते, समझ में आया ना। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक एक चाहता हूँ बताना ट्रिक, ये वेलोसिटी रेशियो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, कैसे वेलोसिटी रेशियो आ गया। तो देखो तो ट्रिक क्या है, आप जब भी ना आपको अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने के लिए ये ट्रिक यूज करना। देखो ट्रिक क्या, ट्रिक ये है कि टेंशन इनटू वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, टेंशन इनटू वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन इन लोड इनटू वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू टेंशन इन एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, आया समझ में ना। तो ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज टेंशन इन लोड, तो आपका था टी वन था ना, एंड सॉरी व्हाट इज टेंशन इन लोड, तो वो तो आपका था टी टू ना, वो था टी टू,
और इनटू वेलोसिटी ऑफ लोड ले लो, और ये हो जाएगा इक्वल टू टेंशन इन एफर्ट। तो कितना था देखो, वो था टी वन और इनटू आप लिख लो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो देखो यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन। आया क्या आया? इक्वल टू टी टू बाई टी वन। अब ध्यान से देखो, तो क्या था यहाँ था ना, हमने अभी जस्ट सीखा है क्या कि टी टू इज इक्वल टू टू टी वन, है ना, टी टू इज इक्वल टू टू टी वन और बाई टी वन। देखो टी वन से टी वन कट गया, मतलब कि वीई बाई वी एल, वी बाई वी एल इज इक्वल टू टू। सब क्वेश्चन में ना, तो ऐसे भी आप बोलिए, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो क्या वेलोसिटी रेशियो टेंशन इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट करके। समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल। तो वेलोसिटी रेशियो टू का मतलब क्या हुआ कि एफर्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ लोड, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट इज टू टाइम्स डिस्टेंस मूव बाई लोड। समझ आया ना? हाँ सर बिल्कुल। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग थोड़ा सा इस पे और चर्चा करते हैं। तो हमने इस सिंगल कौन से पुली का, हमने इस सिंगल मूवेबल पुली का फाइंड कर लिया है ए में, और आइडियल क्या आया था 2A, VR क्या आया था, VR भी आया था 2। तो इसका ये कितना आएगा, व्हाट इज इफिशियंसी सर एमए बाई VR, मतलब ये आपका आ जाएगा 1/100%, यही ना। अगर ये आइडियल नहीं होता, ये तुम्हारा आया फॉर आइडियल ना, ये तुम्हारा आया फॉर आइडियल। फॉर प्रैक्टिकल क्या आता, देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, फॉर प्रैक्टिकल बोलो जल्दी क्या आता, फॉर प्रैक्टिकल इसका ए में आता लेस देन टू, वो हम लोग फाइंड करते हैं किससे, वो हम लोग फाइंड करते हैं लोड बाई एफर्ट से। और लेकिन इसका वी आर क्या आएगा, इसका वी आर 2 ही आता, फिर इसका जो इफिशियंसी है वो 1 से कम आता और वो आता लेस देन 100%। तो ये सब बातें आप लोग बिल्कुल याद रखना, मैं इसको बार बार बोले जा रहा हूँ क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और कुछ करते हैं चर्चा। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये रहा मेरा सिंगल मूवेबल पुली। तो देखो ध्यान से, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने इस पॉइंट ए पे अप्लाई किया है एफर्ट इन अपवर्ड डिरेक्शन। क्या ये हमारे लिए कन्वीनियंट है? नहीं सर, ये हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, हमको यहाँ पे ए में 2 मिल गया है। ये मेरा जो सिस्टम है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट भी कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एफर्ट कन्वीनियंट डिरेक्शन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कि इसमें हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो मेरा मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर भी हो जाएगा और हम एफर्ट को कन्वीनियंट डिरेक्शन में भी अप्लाई कर पाएंगे। और वो कैसे आएगा, वो आएगा यहाँ पे हम अगर एक सिंगल फिक्स पुली को ऐड कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे सिंगल एक फिक्स पुली ऐसे ऐड कर दूँ, तो देखो आप क्या हो जाएगा, अब ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, तो अब जो है एफर्ट हम लोग लगाएंगे इस पॉइंट पे। तो अब क्या हो गया, आपका एफर्ट कन्वीनियंट डिरेक्शन में हमने अप्लाई कर लिया है। मतलब कि इन प्रैक्टिकल हम लोग पुली सिस्टम के साथ हम लोग एक सिंगल फिक्स पुली यूज करते ही हैं ताकि हम एफर्ट को कन्वीनियंट डिरेक्शन में बोलिए अप्लाई कर सकें। सबको ऐसा समझ में ना? हाँ सर, सबको 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 समझ में आ गया कि हम लोग मशीन को क्या करेंगे, मशीन में एक हम लोग सिंगल फिक्स पुली भी यूज करेंगे ताकि हम लोग एफर्ट को कन्वीनियंट डिरेक्शन में अप्लाई कर सके। तो जब भी आपको 13 क्वेश्चन वगैरह दिखेगा तो आपको मेन लिए ऐसा ही रहता है, एक रहता है आपका सिंगल बोलिए कैसा पुली जो कि मूव कर सकता हो, और उसके साथ में हम लोग एक फिक्स पुली भी रखते हैं ताकि आप एफर्ट को अच्छे डिरेक्शन में लगा सको। ऐसा में सबको ना? हाँ सर बिल्कुल। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट चर्चा करने ऑन टू मूवेबल पुली विथ वन फिक्स पुली। लास्ट क्वेश्चन में हमने लिया था ओनली वन पुली जो कि मूव कर सकता था, अब हम जा रहे हैं लेने 2 पुली जो कि मूव कर सकता है। फिर देखते हैं इसका क्या आता है मैकेनिकल एडवांटेज। और हमने यहाँ पे विथ वन फिक्स पुली भी लिया है, हमने एक पुली क्या लिया, हमने फिक्स लिया है ताकि हम एफर्ट को कन्वीनियंट डिरेक्शन में अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले आप ये सीखो कि हम लोग कैसे इसका ड्रॉ करते हैं डायग्राम। देखो कैसे इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करना फिक्स पुली, सबसे पहले आप ड्रॉ करना फिक्स पुली। ये मेरा हो गया फिक्स पुली, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एफर्ट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है एफर्ट, यहाँ से एक स्ट्रिंग ड्रॉ करिए, फिर यहाँ पे पहला पुली जो कि मूव करेगा, पहला पुली जो कि मूव करेगा उसको हमने ड्रॉ कर लिया है टैंक। देखो इधर ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया टैंक, फिर इसके सेंटर से एज अ लोड दूसरा पुली आप यहाँ कर दो, ड्रॉ कर दो। ये देखो एज अ टैंक, ये आपका हो गया डायग्राम, ये आपका हो गया डायग्राम, ऐसे में ना। और फाइनली सेकेंड पुली के सेंटर से हैंग करो लोड। तो देखिए ये हुआ डायग्राम ऑफ टू पुली जो कि मूव कर सकता है और एक पुली जो कि फिक्स है।
तो मैंने इस पुली को नाम दे दिया है ए, बी और सी। तो ए क्या है, ए इज फिक्स पुली, और आपका बी और सी क्या है, बी एंड सी आर मूवेबल पुली। पक्की बात है? हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से आप अगर देखो तो इस क्वेश्चन में हमने तीन स्ट्रिंग यूज किया है, एक स्ट्रिंग ये, तो इसका हमने टेंशन मान लिया है टी वन सर, टी वन सर, टी वन, ये स्ट्रिंग। दूसरा यहाँ पे टेंशन हमने मार्क कर लिया है टी टू। देखो हमने कैसे टेंशन हम लोग कर रहे हैं मार्क हमेशा अवे, और यहाँ मान लो आप टेंशन टी थ्री। अब फिर से अपना काम क्या होगा कि लोड और एफर्ट में फाइंड करना रिलेशन। अब सबको पता है कि जिस स्ट्रिंग में हमने एफर्ट अप्लाई किया है उसके हर पॉइंट पे टेंशन होगा इक्वल टू एफर्ट। तो पक्का हम कह सकते हैं टी वन इज इक्वल टू ई। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हमने ड्रॉ किया डायग्राम ऑफ पुली बी, डायग्राम ऑफ पुली बी। तो देखो ध्यान से, तो ऊपर टी वन, नीचे टी टू, मतलब कि टी टू इज इक्वल टू टू टी वन। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिखा हमने ऐसे, क्योंकि आपका पुली क्या है, मासलेस, तो उसमें नेट फोर्स आएगा जीरो, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। हाँ सर बिल्कुल। अब हम करते हैं ड्रॉ डायग्राम ऑफ पुली सी। देखो ध्यान से, तो ऊपर टी टू, नीचे टी थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा टी थ्री इज इक्वल टू बोलिए टू टी टू, और हमने अभी जस्ट फाइंड किया है कि टी टू इज इक्वल टू टू टी वन, तभी आपका आ जाएगा ऐसा कुछ। तो यहाँ से आ जाएगा टी थ्री इज इक्वल टू फोर टी वन। सबको आया समझ में ना, टी थ्री इज इक्वल टू फोर टी वन। और मैं अगर लोड का डायग्राम बनाऊँ तो नीचे लोड, ऊपर टी थ्री, तो अगर लोड को बैलेंस करना है तो टी थ्री मस्ट बी इक्वल टू लोड। बोलो सब लोग, देखो यहाँ पे सब आपका सिक्वेंस से जा रहा है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि टी थ्री इज इक्वल टू लोड एंड फोर टाइम्स टी वन इज इक्वल टू एफर्ट। अच्छा सर बिल्कुल, हमने ऐसा लिख दिया। बोलिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका आ गया कि लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू फोर, और हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू फोर। क्या लिखा हमने, हमने लिखा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू फोर। हाँ सर बिल्कुल, लास्ट केस में टू आया था, इस केस में फोर आया है। आप चाप ना लो, मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही सिंपल फार्मूला भी दे दूंगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो का, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना हो तो क्या करना यूज, कि टेंशन इन लोड इंटू वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू टेंशन इन एफर्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो ध्यान से देखिए, तो टेंशन इन लोड क्या है, टी थ्री इंटू वेलोसिटी ऑफ लोड, टेंशन इन एफर्ट क्या था, टी वन इंटू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। यहाँ से आपका आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू बोलिए क्या आएगा, टी थ्री बाई टी वन, और हमने अभी जस्ट सीखा है कि टी थ्री इज फोर टाइम्स ऑफ टी वन, तो कट गया टी वन से टी वन, तो ये आपका आ गया फोर। मतलब कि वेलोसिटी रेशियो इज फोर, वेलोसिटी रेशियो इज फोर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफर्ट इज मूविंग फोर टाइम्स फास्टर देन लोड, या हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज फोर टाइम्स डिस्टेंस मूव बाय लोड इन सेम टाइम। पक्की ना, मतलब इसका वी आर क्या आ गया सर, इसका वी आर भी आ गया फोर। अब अभी क्या था, देखो ये आइडियल मशीन था इसलिए इसका एम ए और वी आर सेम आ गया है। मतलब कि मैं इसका अगर फाइंड करूँ इफिशियंसी फॉर आइडियल मशीन, तो बोलो क्या आएगा, एम ए बाई वी आर, देखो फिर से आएगा वन और फिर 100%, यही ना। हाँ सर बिल्कुल यही आने वाला है। अगर ये मशीन मेरा प्रैक्टिकल होता, अगर ये मशीन मेरा प्रैक्टिकल होता तब क्या होता, तब उसका एम ए होता लेस देन वी आर, क्या होता, एम ए होता लेस देन वी आर, एंड वी आर तब भी चार रहता लेकिन उसका एम ए चार से कम हो जाता, यही ना। हम लोग तो अभी यही सीखते आए ना अभी तक। हाँ भाई सर यही हम लोग सीखते आए हैं। इसका मतलब ये कि फॉर प्रैक्टिकल मशीन इफिशियंसी ऑफ प्रैक्टिकल मशीन इज लेस देन वन और लेस देन 100%। देखो तो ये मैं कहानी बिल्कुल ही कब से, मैं पिछले एक सॉरी एक घंटा नहीं पिछले मैं 33 मिनट से मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि अगर मशीन आइडियल होगा तो जितना होगा वी आर उतना होगा उसका एम ए, अगर मशीन मेरा प्रैक्टिकल है तो वी आर चेंज नहीं करेगा, उसका एम ए चेंज कर जाएगा, और तब हम लोग एम ए फाइंड करेंगे लोड बाई एफर्ट से। क्या सबको मेरी बातें समझ आई ना, और जब भी फाइंड करना हो इफिशियंसी तो यूज करना है एम ए बाई वी आर। ओके ओके, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कुछ फार्मूला के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए अब मैं आपको देता हूँ फार्मूला, एक मस्त सा फार्मूला फार्मूला फार्मूला
देखो तो ये रहा फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना होगा। ये जो मैंने पूरा कहानी आपको बताया वो मैंने बस समझाने के लिए कहा था, ठीक है ना। आप ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद रखना, आपका पूरा जीवन मशीन वाले चैप्टर में समझ जाएगा। समझ में आया ना? हाँ सर, समझ में आया। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा, हमने यहाँ पे एक देखो बात लिखा है कि फॉर एन मूवेबल पुली, फॉर एन, एन इज द नंबर ऑफ पुली, एन इज द नंबर ऑफ पुली जो कि मूव कर रहे होंगे। आपको सिर्फ वही पुली लेना है जो कि मूव कर रहे थे। मैंने पहले केस में फाइंड किया था कि फिक्स पुली के चलते कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज में गेन नहीं होता है, याद है ना। मतलब कि जो भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करने वाला है वो होगा ओनली ड्यू टू मूवेबल पुली। समझ आया? तो एन है कि पुली, नंबर ऑफ पुली जो कि आपका मूव कर रहा था। ओके, हाँ सर बिल्कुल। तो देखिए फॉर्मूला क्या है कि एम ए इक्वल टू 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 दी पावर एन, एम ए इक्वल टू 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 दी पावर एन, ये आपका है फॉर आइडियल मशीन ओनली। एम ए के लिए फॉर्मूला तभी होगा वैलिड जब आपका मशीन आइडियल हो, जो उन्हें ज्ञान वाले जो था ना कि कुछ ज्ञान जो हम आपको दे रहे थे, जो सेकेंड पॉइंट था कि फॉर्मूला आप एम ए के लिए तभी यूज करना जब आपका मशीन आइडियल हो। एंड वी आर भी क्या होगा आपका, वी आर भी आपका टू 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 दी पावर एन ही होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वी आर के लिए वो आपका आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों के लिए वैलिड होगा। मतलब ये आपका चेंज नहीं कर सकता है। तो जब भी आपको पुली वाला सिस्टम दिया रहे तो सबसे पहले आप ये देखना कि आपका कितना आपका पुली मूव कर रहा था, और वहां से आप पहले फाइंड कर लेना उसका वी आर। और अगर मशीन आइडियल था तो जितना उसका वी आर था उतना ही उसका हो जाएगा एम ए। समझ में आया ना? अगर मशीन आइडियल नहीं था तो वी आर हम लोग, सॉरी, एम ए हम लोग लोड बाई एफर्ट से फाइंड कर लेंगे, और वी आर तो हम लोग टू दी पावर एन से फाइंड कर ही सकते हैं, और फिर वहां से हम लोग उसका मैकेनिक एफिशिएंसी भी फाइंड कर लेंगे। आया समझ में ना? हाँ सर। अब जरा देखिए कि हम कि ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, जो हमने अभी जस्ट जो हमने तीन केसेज पढ़ा है। तो पहले केस में जो हमने केस वन लिया, देखो यहाँ पे जो हमने केस वन लिया था वहां पे क्या था, वहां पे था एक पुली और वो भी फिक्स था। मतलब मैं आपसे पूछूं कि उस केस में नंबर ऑफ मूवेबल पुली कितना था, तो आप बोलोगे जीरो, पक्का ना। अब बताओ, अब वो यहाँ पे यूज करो तो क्या था, एम ए इक्वल टू 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 दी पावर एन, तो एन हो गया जीरो, तो टू का पावर जीरो कितना होगा, वन ना। तो ध्यान देना कि वहां पे आपका फॉर्मूला वन ही आया था कि फॉर अ सिंगल फिक्स पुली एम ए इक्वल टू वन। सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में आपका था एक पुली ऐसा जो कि मूव कर रहा था, मतलब इन सेकेंड केस एन इक्वल टू वन, एन कितना आएगा वन, तो यहाँ पे करो पुट, तो टू का पावर वन कितना आएगा, एम ए आएगा टू। ध्यान देना आपका एम ए वहां से दो ही आया होगा, एंड वी आर ऑल्सो टू का पावर वन, तो वी आर भी टू ही आया था। सिमिलरली जो हमने अभी जो थर्ड केस सीखा जस्ट वहां पे क्या था, वहां पे आपका एन है टू, क्योंकि वहां पे आपका दो पुली कर रहा है मूव, तो उसका एम ए कितना आया है, तो टू टू द पावर टू, देखो चेक करो, तो उसका एम ए फोर आया होगा। और वी आर क्या आएगा, वी आर भी आएगा टू टू द पावर टू, तो उसका वी आर भी कितना आया, फोर ही आया होगा। चेक करो जल्दी, देखो हमने यहाँ किया था, देखो इसका एम ए भी टू आया था आइडियल के लिए, और वी आर भी क्या, सॉरी क्या है उसका, जो एम ए आया है वो भी आपका फोर आया था, और जो वी आर आया है उसका वो भी फोर आया है फॉर आइडियल। समझ में आया ना? बोलो जल्दी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये मशीन आइडियल नहीं होता तो उसका वी आर चेंज नहीं करता, लेकिन उसका एम ए चेंज कर जाता। तो आप हमेशा नंबर ऑफ पुली जो कि कर रहा है मूव वो चेक करके हमेशा फाइंड कर लेना वेलोसिटी रेशियो। जल्दी से आप लोग एक फॉर्मूला लिखो, फिर हम जा रहे हैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। चलिए, तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, इसमें हमने हर चीज फाइंड कर लिया है लगभग। देखो यहाँ पर जी नंबर तक क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन है क्या कि मेरे पास एक सिंगल फिक्स पुली है ना, सबको ऐसा देख के लग रहा है कि ये क्या है, एक सिंगल फिक्स पुली है, इसमें एक लोड हमने हैंग किया है, लोड है 400 न्यूटन, और एक बच्चा है, देखो ये एक बच्चा है जो कि यहाँ पे इस एंड पे सेकेंड एंड पे उसने एक एफर्ट अप्लाई किया है इन डाउनवर्ड डिरेक्शन, और एफर्ट का वैल्यू है 480 न्यूटन, ठीक है। तो पहले जो मेरे को दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन हम लोग वो एक बार लिख लेते हैं। तो लोड हमको दिया है 400 न्यूटन और एफर्ट दिया है 480 न्यूटन। अच्छी बात है, हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखते हैं कि हमको क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड वेलोसिटी रेशियो। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा पुली कैसा है, ये मेरा सिंगल फिक्स पुली है, कैसा है, सिंगल फिक्स पुली है। और हमने क्या सीखा है फॉर्मूला कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 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 दी पावर एन, और यहाँ पे एन क्या होता है कि नंबर ऑफ पुली जो कि मूव करता हो, तो कोई भी पुली मूव नहीं कर रहा है तो एन हो गया जीरो, तो टू का पावर जीरो मतलब कितना आने वाला है, आपका आने वाला है वन ना। और आपको ऐसा
पता भी, हमने सीखा भी है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल फिक्स पुली इज वन। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन था तो था वी आर, तो हम लिख दिया वी आर इक्वल टू वन। अच्छी बात है सर। वी आर के लिए आप फॉर्मूला हमेशा यूज करना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एमए के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मशीन मेरा आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, लेकिन वी आर के लिए आप हमेशा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हमने वही किया और वी आर इसका फाइंड कर लिया वन। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसका मैकेनिकल एडवांटेज। अब क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन होगा? क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होने वाला है? मतलब क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन होने वाला है? नहीं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन नहीं होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जब आपने सिंगल फिक्स्ड पुली वाला केस लिया था तो वहां आपने बोला था कि इसका एमए वन आता है, जितना लोड होता है उतना एफर्ट। तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि आप अपना दिमाग खोल के सोचो कि ये है फॉर ओनली फॉर आइडियल मशीन, ये है ओनली फॉर आइडियल पुली। कि अगर आपको क्वेश्चन में आइडियल पुली मेंशन किया रहे तभी आप वी आर इजल टू लिखना एम ए, मतलब तभी उस केस में एम ए वन होता, समझ में आया ना। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में लोड और एफर्ट, क्वेश्चन में अगर लोड और एफर्ट दिया है तो आप फाइंड करना एम ए लोड बाई एफर्ट से। तो देखो तो इस क्वेश्चन में मेरे को लोड और एफर्ट ही दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है एम ए, बोलो, लोड बाई एफर्ट। ये आपका आ जाएगा 400 न्यूटन डिवाइडेड बाई 480 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करो। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये आपका इसका एम ए आ गया 0.833। देखो ध्यान से, तो क्या ये एम ए वन है? नहीं है सर। क्या ये एम ए वी आर के इक्वल है? नहीं सर, वी आर से कम है। मतलब ये जो मेरा मशीन था वो पक्का कैसा था? वो मेरा प्रैक्टिकल मशीन है, ये आइडियल मशीन नहीं है, समझ आया ना। इसलिए इसका एम ए वी आर से कम आया है, समझ आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब आपसे क्वेश्चन नंबर सी क्या पूछा है? आपको फाइंड करना है इफिशियंसी, आपको फाइंड करना है इफिशियंसी। तो बोलो क्या होता है? एम ए बाई वी आर, यही ना, मतलब 0.833 डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू आप बोल सकते हो 0.833, और इन परसेंटेज आप इसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा? तो देखो 83.3%। ये आपका आ गया है इफिशियंसी। और हमने सीखा भी था कि फॉर अ प्रैक्टिकल मशीन इफिशियंसी वन से कम होता है या फिर 100% से कम होता है। तो देखो वही यहाँ पे आया भी है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या है। मैं यहाँ देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में क्या पूछा? कि वाई इफिशियंसी इज लेस देन 100%। तो ध्यान से देखिए, तो ये मेरा है प्रैक्टिकल मशीन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन भी होगा। क्या होगा? यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी होने वाला है। मतलब कि हमने जो एनर्जी सप्लाई किया है एफर्ट लगा के, वो सारा का सारा जो एनर्जी वो लोड को लिफ्ट करने में नहीं गया है, कुछ आपका जो एनर्जी था वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला गया है, इसलिए आपका इफिशियंसी 100% से कम आ गया है। तो आप लिखो, देखो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको रीजन की इफिशियंसी इज लेस देन 100% बिकॉज सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो आप भी यही लिखना। तो हमने डी तक सॉल्व कर लिया, आप जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं पार्ट ई में। तो ई में क्या है कि पूछा गया मेरे से कि एनर्जी गेन बाई लोड इफ हाइट मूव बाई लोड इज 5 मीटर इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर लोड मेरा 5 मीटर ऊपर गया है तो वो कितना एनर्जी गेन किया होगा? तो अगर आपका लोड क्या हुआ है, ऊपर गया है, मतलब कि वो गेन किया होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो लिखिए कि गेन इन एनर्जी ऑफ लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, है ना, एम इंटू जी इंटू एच। बोलिए सब लोग, एम इंटू जी इंटू एच। और यहाँ पे एम इंटू जी ही क्या है? उसका जो लोड का जो वैल्यू दिया है फोर्स का, 400 न्यूटन, वही ना। बिल्कुल सर। तो 400 और इंटू कितना था हाइट वो लिफ्ट किया है, 5 ना, तो 2000 जूल का वो गेन किया है एनर्जी। कौन? लोड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने एम जी को क्यों लिखा है ये 400, वो समझ में आया ना, क्योंकि लोड क्या था? लोड इसका वेट ही है ना, और वेट क्या होता है? एम इंटू जी। तो मतलब कि जो उसका एम इंटू जी का वैल्यू था वही मेरे को 400 दिया था। अच्छी बात है, हाँ सर बिल्कुल। ये हो गया आपका ई नंबर। अब चलिए आप करते हैं एफ नंबर। तो नंबर एफ क्या है कि पावर डेवलप बाय बॉय। पावर मतलब कि वो जो आपका बॉय है वो जब 480 न्यूटन का एफर्ट लगाया है तो उसने कितना पावर सप्लाई किया, उसने कितना पावर सप्लाई किया। तो ध्यान से देखो, तो मेरे को क्वेश्चन में टाइम मेंशन है 10 सेकेंड। तो क्या होगा? पावर सप्लाई बाय बॉय, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि पावर सप्लाई बाय एफर्ट। तो कितना होगा? वर्क डन बाय एफर्ट और इनटू बाय टाइम टी। एंड वाट इज वर्क डन बाई एफर्ट, तो एफर्ट
इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म बाय टाइम टी। अब ध्यान से देखो तो इस क्या था कि ये मेरा जो सिंगल फिक्स पुली था इसका वी आर वन था, मतलब जितना आपका लोड आर्म लोड करेगा वो उतना ही आपका एफर्ट भी मूव करने वाला है। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपका लोड किया है 5 मीटर, तो एफर्ट भी आपका मूव करेगा 5 मीटर ही। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये ई क्या था, ई का था आपका एफर्ट, तो 480 डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट ही कितना 5 मीटर, एंड बाई टाइम कितना है, टाइम हो गया आपका 10। तो देखो यहाँ से आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 48 × 5 ये कितना है, आपका आने वाला 240 वाट। ये आपका आ गया पावर डेवलप बाई वाई या फिर पावर डेवलप बाई आपका एफर्ट। ओके देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था नंबर जी कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग दिस पुली, आपने ये पुली क्यों यूज किया, तो टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डिरेक्शन। ये आपका हो जाएगा आंसर ऑफ पार्ट जी। सबको समझ आया ना? हाँ सर बिल्कुल, जल्दी से कॉपी करो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन जो इसमें आ सकते हैं हमने हर तरह के क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है कॉपी करो। देखो तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आईसीएसई 2019 में आ चुका है, वही पूरे 4 मार्क्स के लिए। देखो कितना ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन को करते हैं रीड। मार्क डिरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रिंग। आपको एक पुली सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, और आपको बोला है कि ईच स्ट्रैंड में आपको टेंशन का मार्क करना है डिरेक्शन, यही ना? अच्छी बात है, ध्यान से देखो तो क्या है कि मेरे सिस्टम में 2 पुली है, ए और बी। बी कैसा है, फिक्स पुली, और ए कैसा है, ए है अपना पुली जो कि मूव कर सकता है। ओके अच्छी बात है सर, हमको सबसे पहले बोला है कि मेरे को टेंशन का डायग्राम मार्क करना है। ओके देखो हमने ये मार्क कर दिया है टेंशन का डायग्राम, हमने हर जगह लिखा है टी। क्यों लिखा है हर जगह टी, क्योंकि अगर आपका स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या होगा, हर पॉइंट पर उसका सेम ही होगा, तो हमने टी टी सब में मार्क कर दिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, हमने ईच स्ट्रैंड में टेंशन हमने मार्क कर लिया। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका टेंशन हो जाएगा फिर T1, कि स्ट्रिंग चेंज किया तो आपका टेंशन चेंज कर जाएगा, या आपने आपने इसको अगर लिखा है T1 तो फिर आपका ये हो जाएगा T2, यही ना? अच्छा ये होगा कि आप उसको जो आपका जो यहाँ पे है ऊपर में आप उसको T ही लिखो, ठीक है ना? आप उसको लिखो T, तो ये हमने लिख दिया T T T, तो फिर आप इसको लिख दो T1। ये हमने मार्क कर लिया टेंशन का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो। तो हमने क्या बोला कि जब भी आपको वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना हो तो आप यूज करना फॉर्मूला। तो बोलो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। n क्या होता है कि नंबर ऑफ पुली जो कि मूव कर सकता है। इस गिवन सिस्टम के लिए कितना पुली कर रहा है वो बोलो, 1 ना, तो ये आपका n हो जाएगा 1। तो 2 टू द पावर 1 मतलब आपका इसका वी आर आने वाला है 2। देखो आपका ये भी क्वेश्चन बन गया कितना आसान था। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज टी। ये बोल रहा है कि इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज टी, मतलब ये जो आपका जो था ना स्ट्रिंग ऊपर में आपका, वो बात कर रहा है इसका, ये जो स्ट्रिंग आपका ऊपर में है ये देखो ये ऊपर जहां आपने टेंशन टी पहले से मान के रखा है। तो इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज टी देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड ई। अब सबको पता होगा क्या कि हम लोग जिस स्ट्रिंग में एफर्ट लगाते हैं उसके हर पॉइंट पे टेंशन एफर्ट के ही इक्वल होगा, मतलब टी इज इक्वल टू ई, और हम लोग ये पहले से ही करते आ रहे हैं, हमने बहुत सारे इसके क्वेश्चन किया भी था, याद है ना? जो हम लोग सबका जो फॉर्मूला किया था डिराइव, तो वहां पे हमने तो यही पूछ किया था ना कि जिस स्ट्रिंग में हम लोग एफर्ट लगाते हैं उसके हर पॉइंट पे टेंशन उसके एफर्ट के इक्वल ही होता है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि इफ फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए फ्री एंड का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपने अप्लाई किया है एफर्ट वही आपका फ्री एंड होगा। इफ फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस एक्स फाइंड द डिस्टेंस बाय विच लोड रेज्ड। तो इसके लिए आप यूज कर लो वेलोसिटी रेशियो। तो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, यही ना? हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डिस्टेंस मूव बाय लोड, तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस बोलो डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट बाई वेलोसिटी रेशियो। अब हमको क्या दिया है कि डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट इज एक्स, और वी आर कितना था, वी आर था 2, तो x/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो आपका एफर्ट पॉइंट था वो जब एक्स डिस्टेंस से नीचे आएगा तो जो आपका लोड वाला है, जो आपका लोड है वो x/2 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा। तो देखो हमने वी आर का फॉर्मूला यूज करके सिंपली हमने फाइंड कर लिया, इसमें कोई कष्ट ही नहीं था।
है ना आसान क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, जल्दी से तू कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूरे तुम्हारा 4 मार्क्स का था। अब चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एन आइडियल मशीन कंसिस्टिंग टू मूवेबल पुली। देखिए क्वेश्चन में मेरे को मेंशन है आइडियल मशीन, मतलब कि इसका एम ए वी आर के इक्वल आने वाला है। तो एन आइडियल मशीन कंसिस्टिंग टू मूवेबल पुली एंड वन फिक्स पुली, ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले हमको इसका ड्रॉ करना होगा डायग्राम, तो करते हैं ड्रॉ डायग्राम। ये हमने ड्रॉ कर लिया इसका डायग्राम, जो भी हमको सिस्टम दिया था। देखिए हमने नाम दिया है पुली का ए बी सी, ए इज फिक्स पुली, बी एन सी आर ऐसा पुली जो आपका मूव कर सकता था। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द डिरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट एट अप्लाइड पॉइंट्स। ठीक है, आपको शो करना है डिरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो यही ना, देखो यहाँ पे आपका लग रहा है लोड और वो लगे कहाँ, इन डाउनवर्ड डिरेक्शन हमने शो कर दिया। ये आपका पॉइंट है जहाँ पे आपका हम लोग अप्लाई करेंगे एफर्ट, और वो भी इन डाउनवर्ड डिरेक्शन, तो हमने एफर्ट भी शो कर दिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ए, हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर बी क्या था, हाउ मच एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kgf, हाउ मच एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kgf। क्वेश्चन नंबर बी मतलब कि मेरे पास एक लोड है 100 kgf का, इसको लिफ्ट करने के लिए मेरे को कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या था, मेरे को मेंशन था कि मशीन मेरा कैसा है, आइडियल है, मतलब कि इसका एम ए जो होगा वो आपका आएगा इक्वल टू वी आर, और वो आएगा इक्वल टू 2 to the power n, और n क्या होता है नंबर ऑफ पुली जो कि मूव करता है। तो यहाँ कितना है, 2 है ना, तो आपका आ जाएगा 2 to the power 2, मतलब आपका एम ए आने वाला है 4। इस आइडियल मशीन का एम ए आने वाला है 4। अब आप कर लो यूज, एम ए इक्वल टू यूज, एम ए बोलो इक्वल टू लोड बाई एफर्ट, तो कितना होगा एफर्ट बोलो, लोड बाई एम ए ना, लोड बाई एम ए, लोड कितना था 100 kgf और बाई 4, यही बोलो जल्दी, 100 kgf/4। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपका आ जाएगा एफर्ट इज इक्वल टू 25 kgf, मतलब कि उस 100 kgf वाले लोड को लिफ्ट करने के लिए आपको 25 kgf का एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन मेरा क्या था, आइडियल था। बोलो सब लोग जल्दी से, हाँ सर बिल्कुल, ये तो काफी ही आसान था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी, सी में क्या बोला मेरे से कि फाइंड इफिशियंसी ऑफ द आइडियल मशीन। तो क्या होता है बोलो इफिशियंसी, एम ए बाई वी आर, एम ए बाई वी आर। तो हमने क्या देखा कि इसका एम ए भी 4 था और वी आर भी क्या था इसका 4 था, ये आपका आ जाएगा 1 और 100%। और आपका अगर मशीन आइडियल है तो उसका इफिशियंसी हमेशा 1 या 100% ही आता है, क्योंकि उसका एम ए वी आर इक्वल होता है। अच्छी बात है सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर डी आपको बोला है कि डज एंसर ऑफ पार्ट, अच्छा सी यहाँ लिखो पार्ट सी, हमने गलती से पार्ट डी लिख दिया है। देखो तो डज एंसर ऑफ पार्ट सी चेंज इफ मशीन इज नॉट वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, फुल स्टॉप, जस्टिफाई योर एंसर। मतलब नंबर डी में पूछ रहा है कि देखो हमने क्या माना है अभी कि मेरा मशीन कैसा था, आइडियल है, और मेरा मशीन आइडियल है इसका मतलब ये हुआ कि ना तो जो पार्ट उसका मूव कर रहा था उसका कोई वेट भी नहीं था, और जो भी यहाँ पे उसका एक्सल जो था मशीन का वो सब आपका फ्रिक्शन लेस था, इसलिए हमने उसको आइडियल माना था। अब पूछा कि अगर उस मशीन के जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं उनका कुछ वेट भी आ जाए और कुछ फ्रिक्शन भी आ जाए, तब क्या आपका पार्ट सी का आंसर चेंज करेगा कि नहीं, ये जो पार्ट सी मतलब कि उसका इफिशियंसी, तो आंसर क्या होगा, आंसर चेंज करेगा, क्योंकि फॉर फॉर आइडियल मशीन इफिशियंसी इज 100%, एम ए इक्वल टू वी आर, बट फॉर प्रैक्टिकल मशीन एम ए इज लेस देन वी आर एंड इफिशियंसी इज लेस देन 100%, समझे ना। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा यस आंसर चेंज करेगा, हाँ आंसर चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि इफिशियंसी विल बी लेस देन 1 और लेस देन 100%। अब नेक्स्ट सबको समझ आया ना, तो ये हमने इसको जस्टिफाई भी कर लिया। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है ना। ये पुली के क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, पूरे मशीन से ही क्वेश्चन आपका बहुत ही आता है आसान आसानी। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे हम आपको देंगे होमवर्क के लिए। ये रहा आप लोग के लिए होमवर्क, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। फॉर द गिवेन मशीन टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kgf एंड एफर्ट ऑफ 80 kgf इज नीडेड, ठीक है ना, आपको डायग्राम दिख रहा है।
और इसमें एक लोड 100 kgf को लिफ्ट करने के लिए हमको एफर्ट 80 kgf का अप्लाई करना पड़ रहा है। हमको फाइंड करना है इसका एमए, वीआर, इफिशियंसी और बताना है कि ये मशीन आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। तो ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमको लोड और एफर्ट पता है, तो हम लोग पहले उसका एमए फाइंड करेंगे लोड बाई एफर्ट से, ठीक है ना। वहां से आप फाइंड कर लेना एमए, और इसका वीआर क्या होगा, वीआर आप हमेशा फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, तो आप 2^n यूज कर सकते हो। फिर आपको जैसे ही मिल जाएगा वीआर, तो आप फाइंड कर लेना इफिशियंसी, और अगर इफिशियंसी 100% से लेस आ गया, मतलब कि वो मशीन आपका आइडियल नहीं था, वो मशीन आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है ना। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी लिख के दे दिया है, तो आप लोग आंसर मैच कर लेना और खुद से सॉल्व करना इसको, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग का पुली सिस्टम क्या एक और डिफरेंट तरीके का होता है अरेंजमेंट, हम लोग वो सीखेंगे, उसका नाम है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। लेकिन उससे पहले आप लोग ये लेक्चर अच्छे से कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। हमने हर तरह का जो भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, हमने हर तरीके से आपको बता दिया है, अब बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय एंड टेक केयर।